हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और थोड़ी सकारात्मक खबर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं कि लगभग पिछले 100 दिनों से धरना प्रदर्शन इको गार्डन में कुछ अभ्यर्थी, बहुत से अभ्यर्थी तो नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ ही अभ्यर्थी ऐसे थे जो पिछले 100 दिन से वहाँ पर डटे हुए थे। ठीक है, आज 101वां दिन था, आह्वान किया गया था महाधरने का, हालांकि वहाँ संख्या फिर से कम ही रही, कुछ अभ्यर्थी और थोड़े से गए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। फाइनली पहली बार यहाँ पर मुख्यमंत्री के सचिव से यहाँ पर बात हुई है। क्या बात हुई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नितेश पांडे जी जो हैं, इनके द्वारा ही एक तरीके से धरने का आह्वान किया गया था 101वें दिन, और ये और इनके साथियों की वजह से ही ये चीज़ें यहाँ तक निकल के सामने आई है। इन्होंने कहा, अनवरत धरने के 101वें दिन संख्या बल कम थी, फिर भी प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री सचिव जी से मुलाकात हुई, शिक्षक भर्ती की उम्मीद बन गई है, उत्तर प्रदेश के सभी लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अब यहाँ पे मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूँ। ये इन्होंने एक और प्रशिक्षु द्वारा डाला गया है जो वहाँ धरने में था। आज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना था, प्रशासन द्वारा प्रशिक्षुओं को मुख्यमंत्री सचिव साहब से मुलाकात हुई, जिसमें ये बात उनके द्वारा कही गई कि नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। ठीक है, नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान, ये किसने कहा है? जल्द एक बड़ी भर्ती आएगी, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ये कहा है सचिव मुख्यमंत्री आवास की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये तो आप लोग कह सकते हैं कि ये लोग पहले भी बहुत बार ये सब चीज़ें कह चुके हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक खबर अब सुनने को लगातार मिल रही है। और उम्मीद इसलिए भी है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली भर्ती कब आई थी, 2018 में। ठीक, 2018 में, और जो लोकसभा चुनाव था वो 2019 में था। ठीक है, तो जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले एक भर्ती देखने को मिली थी, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 वाला है उससे जस्ट पहले एक और भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी। बस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ मंजूरी देनी है इनको, उसके बाद यूपी टेट हो जाएगा और साल के अंत तक, ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर के आसपास, आपको एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, 100% नहीं कह सकता, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार आपको जो भर्ती है वो जरूर देखने को मिलेगी। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी थी, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।